सोलो ट्रैवलर, मैं आप लोगों दुधवा वाटरफॉल में जो कि उड़ीसा का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, और यहाँ पर आने के बाद पता चला बारिश तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। रास्ते में नहीं पता था, रास्ते में नहीं हो रहा था इसीलिए पता नहीं था, यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा हो रहे है। तो बारिश के साथ साथ कूड़ा भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वाटरफॉल सामने ही है। हम पहाड़ की चोटी पे है, पहाड़ की चोटी पे जो झूल रहा है नीचे से ऐसा लगता है जब झूल रहा है, पहाड़ की जो चोटी है वहाँ घिरा हुआ है चारों ओर से, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो वाटरफॉल है वो चोटी से ही अच्छे दिखते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर है चोटी पे ही आए। और आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना ज्यादा कूड़ा है या इतना ज्यादा फॉग है, बारिश थोड़ा टाइम पहले हो गया है इसीलिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। देवमाली का सबसे ऊंचा पॉइंट, अभी भी चल रहा हूँ, अभी तक नहीं पहुंचा। देवमाली जाने का रास्ता है कोरापुट, कितनी खूबसूरत है देखिए, बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। अगर आप नहीं आओगे तो इतना दूर नहीं पता चलेगा कि उड़ीसा में भी इतना खूबसूरत सा जगह है जो बहुत ही खूबसूरत है, और इसको तो कहते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ उड़ीसा। देख सकते हो कितना खूबसूरत सा, मैं भीग रहा हूँ, अभी बारिश हो रहा है यहाँ पर ज्यादातर टाइम बारिश होती है, भीग रहा हूँ लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख रहे हो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पूरे ग्राम আছে পুরোটাই গ্রাম, হ্যাঁ গ্রাম স্কুল সব আছে এখানে। এটা মেইনলি সোলারে চলে তাই প্রত্যেকটা ঘরে সোলার আছে। यहीं पर मिले थे इन लोगों से, बात हुआ, अभी नीचे थोड़ा जा रहे हैं और अभी तक तो मौसम क्लियर नहीं हुआ, तो उसके बाद देखते हैं क्लियर कब होता है। अभी रुकने का प्लान है, अभी एक डेढ़ घंटा और रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेगा, तो देखते हैं। जब तक क्लियर नहीं होता तब तक रुकना पड़ेगा, जब क्लियर होगा एक दो फुटेज के बाद फिर से निकल जाएंगे और एक नई मंजिल की तरफ। अभी तक एक भी फुटेज नहीं आया, इसके लिए बहुत ही बुरा हाल है मेरा, और फिर से नीचे जा रहा हूँ, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है, कोई फुटेज आता है क्या नहीं। अभी तो क्लियर नहीं हुआ, कब तक क्लियर होगा ये तो पता नहीं है। फिर से भैया फिर से आ गए, मिडिल में तो कुछ कुछ जगह दिख रहा था, अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी तो बहुत ही बुरा हाल है इसका, देख लो ये देख सकते हो, अभी तो बहुत ही बुरा हाल है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ये वाला, कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर से बारिश शुरू हो गए है। ये हाल है दुधवा वाटरफॉल का। हम लोग यहाँ पर जो खड़े हैं ना, ये क्लिप है, माउंटेन का क्लिप है, यहाँ से नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ माउंटेन का एक क्लिप है, और सामने यहीं पर ही है दुधवा वाटरफॉल्स, फॉल्स यहीं से ही होता है। और अभी हम रुकेंगे दो एक बजे तक, अगर बारिश कब थम जाए या पूरा भी क्लियर हो जाए तो हम देख सकते हैं, जो धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, इतना ज्यादा बारिश है ना यहाँ पर, तो धीरे धीरे। यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि अभी बारिश हो जाती है उसके बाद पूरा फ्री हो जाता है, दिखने लगता है, उसके बाद फिर से आ जाता है क्लाउड, हम लोग क्लाउड के समान बराबर से पोजीशन पे है, नीचे से क्लाउड जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है, अगर आओगी तो पता चलेगा कितना खूबसूरत सा है। ये दुधवा वाटरफॉल है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, कल पूरा कोरापुट घुमा, आज यहाँ पर है और कल किसी और जगह जाएंगे, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है।
और कभी भी मौका मिले तो आ जाना दुधवा वाटरफॉल में। बहुत ही दूर है, लगभग दीघा से 800 किलोमीटर दूर है, 850 किलोमीटर दूर है। तो आगे देखते दिखाते हैं तो थोड़ा सा जो दिखता है तो दिखा देते हैं, नहीं तो लेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर भी वेट करता हूँ कितना देर में क्लियर हो जाए, उसके बाद ही दिखाऊंगा। चलिए, थैंक यू। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो करने के बाद और भी फॉग आ गया, कूड़ा आ गया, पूरा वाइट हो गया। क्या करें, कुछ भी नहीं आ रहा है अभी। अब कुछ देर बाद रुकते हैं अभी यहाँ पर, अच्छा सा व्यू आता है। व्यू तो अच्छा है लेकिन वो आंखों से दिखाई दे रहा है, लेकिन कैमरे में नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ा सा रुकते हैं। थोड़ा सा क्या, उसके बाद दो पैर को शायद क्लियर हो जाए, उसके बाद पता चले हो सके तीन चलना है यहाँ पर, एक ही जगह पर तीन चलना है, सामने दो साइड में, और दो साइड में वो बहुत ही बड़ा है, तो डायरेक्ट नीचे गिर रहा है और ये वाला क्लिप से होकर नीचे गिर रहा है। तो कभी इसको फील करने के लिए या इसी झरने को फील करने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा, कुछ वीडियो में देख के नहीं होगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। लेकिन बहुत दूर है, अगर आ सको तो आ जाओ, बहुत दूर है लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। रोड भी अच्छा है, रोड कंडीशन भी अच्छा है और वेदर भी अच्छा होगा शायद। अगर ये गर्मी में आओ तो सबसे बेहतर होगा, गर्मी में अगर क्लियर होता है, बारिश नहीं होती यहाँ पर, क्लियर होता है। हम लोग आए बारिश में, क्यों आए, इसलिए बारिश होगा और बारिश में बहुत ही खुशी होता है, और यहाँ पर बारिश में बहुत ही खुशी को दिख रहा है, लेकिन आंखों से दिख रहा है, कैमरे की आंखों से नहीं दिखेगा। यहाँ पर आ जाओ, खूबसूरत सा प्लेस है। अब चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं और भी खूबसूरत सा प्लेस है, उसके बाद फिर यहाँ आएंगे और दिखाएंगे। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, सिर्फ एरिया को देखो, सिर्फ एरिया को देखो, ये इतना छोटा हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं है, पहाड़ की चोटी पे है। इसका सामने वाला जो वाटरफॉल दिखा देता हूँ, लेकिन फिर से हो गया। दिस इज द व्यू, दिस इज द व्यू, बेस्ट व्यू ऑफ द यार। इसका व्यू देखिए, ये वाला इसका व्यू देखिए। थोड़ा सा सुबह से मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, एक भी वीडियो नहीं आ रहा था। इसका व्यू देखिए, अभी बारिश हो जाने के बाद इसका व्यू देखिए। यहाँ एक दुदुमा वाटरफॉल के लिए बोर्ड लगा हुआ है और आप ये देख सकते हो ये वाटरफॉल कितना बड़ा है, 541 फीट। मतलब सोचिए कितना ऊपर से गिर रहा है, 541 फीट। सोच सकते हो आप कितना ज्यादा पानी होगा यहाँ पर, और 104 क्यूबिक फीट। ओ यार, ये तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। अगर क्लियर हो जाए भगवान की कृपा से तो ये पूरा व्यू हम अपने कैमरे में लेंगे और आपको दिखाएंगे, और देख भी सकते हो। अभी हम रुके हैं यहाँ पर, उसके बाद चलेंगे। ये देख लो, यही है आगे का व्यू। तो सोचो इतना अच्छा व्यू यहाँ पर है, तो सोचो अगर आसमान क्लियर रहता है तो कितना अच्छा होता, क्या क्या व्यू आता है यहाँ पर। आसमान अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी तो रेड अलर्ट जारी है यहाँ पर, बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी है, और भी दो तीन दिन रहेगा बारिश यहाँ पर, उसके बाद शायद क्लियर हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसके बाद दिखने लगे।